सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। पंजाब विच 14 फरवरी नूं होण वालीआं विधानसभा दीआं चोणां मुलतवी कर दित्तीआं गईआं ने। हुण इह चोणां 14 फरवरी की बजाय 20 फरवरी नूं होणगीआं। इह फैसला अज चोण कमिशन की हुई बैठक में लिया गया। चोण कमिशन के फैसले मुताबिक चोणां दी नोटिफिकेशन 25 जनवरी नूं जारी होवेगी। नामजदगी की आखिरी तरीख 1 फरवरी होवेगी ते 2 फरवरी नूं पड़ताल होवेगी। 4 फरवरी तक उम्मीदवार अपनी नामजदगी वापस लै सकणगे ते 20 तरीक नूं वोटां पैणगीआं। चोण कमिशन वल्लों वोटिंग की गिणती के दिन विच कोई बदला नहीं किया गया। वोटां की गिणती पहलां तों तय तरीक अनुसार 10 मार्च नूं ही होवेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चोणां दी तरीक विच बदलाव करन लई चोण कमिशन का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने चोण कमिशन नूं चिट्ठी लिख के वोटिंग तरीक 6 दिन अगे पाउण लई बेनती कीती सी, जिस नूं चोण कमिशन ने प्रवान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हवाला दिता सी कि भगत रविदास जी के जन्म दिहाड़े उत्ते वड्डी गिणती विच संगतां बनारस जांदियां ने, अजिहे विच जेकर तरीक नहीं बदली जांदी तां वड्डी गिणती विच लोक वोट नहीं पा सकणगे। हुण जदों चोण कमिशन ने तरीक विच बदलाव किया तां उन्होंने चिट्ठी लिख के इस लई धन्यवाद भी किया। भारतीय जनता पार्टी के बुलारे अनिल सरीन ने चोण कमिशन वालों भगत रविदास जी के जन्म दिहाड़े को लेकर चोणां मुलतवी करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह सही कदम चुकया गया। डोर टू डोर चोण प्रचार के लिए नूरपुर बेदी पहुंचे रूपनगर तो अकाली दल के उम्मीदवार डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने चोण कमिशन वालों चोणों की तरीक अगे पाए जाने का स्वागत किया। उन्हें कहा कि चोण कमिशन वालों लिया गया फैसला श्लाघायोग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आईपी डिपो तो पहली इलैक्ट्रिक बस को हरी झंडी विखा के रवाना किया। कहा कि दिल्ली दी सड़कों उत्ते पहली इलैक्ट्रिक बस चलनी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि अज दिल्ली की पहली इलैक्ट्रिक बस सड़क उत्ते उतरी है। अज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सब तो पहला दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के खेत्र में एक नवे युग की शुरुआत हुई है। बिजली नाल चलण वाली पहली बस सड़क उत्ते उतरी है। उन्हें कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि अप्रैल 2022 तक ही 200 बसा दिल्ली दी सड़कों उत्ते होणगे। इस तों बाद साडा टीचा कुछ सालों के अंदर 1000 होर बस इलैक्ट्रिक बसा लिया दा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब विधानसभा चोणां लई पार्टी वालों मुख्यमंत्री के अहुदे के उम्मीदवार का ऐलान मंगलवार को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। केजरीवाल ने 13 जनवरी नूं पंजाब दे लोकां नूं मुख्यमंत्री दे अहुदे लई अपनी पसंद दे उम्मीदवार दा नाम दसण दी अपील कीती सी। इस संबंधी उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया सी। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों अमृतसर विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। पंजाब विच हो रही चोणां दी तरीक बदलण नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब दे लोक पंजाब दी आत्मा ने। लोगों के कहण उत्ते पंजाब विच होण वालीआं चोणां दी तरीक बदल दित्ती गई है। इस तों पता लगता है कि पंजाब दे लोकां अंदर धार्मिक भावनावां भरीआं होईआं ने। नवजोत सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार एजेंडे उत्ते चोणां लड़न जा रही है। संयुक्त समाज मोर्चा वालों विधानसभा चोणां लई अपने उम्मीदवारों की दूजी लिस्ट जारी की गई है। दूजी लिस्ट में संयुक्त समाज मोर्चा ते भारतीय किसान यूनियन झड़ूनी वालों कुल 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। यह ऐलान प्रेम सिंह पंगू, प्रोफेसर मनजीत सिंह, रसपाल सिंह जोड़े माजरा वालों किया गया। 10 हल्कों तो झड़ूनी और 20 तो संयुक्त समाज मोर्चा चोणां लड़ेगा। संयुक्त समाज मोर्चा वालों बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 19 जनवरी को करने की संभावना जताई गई है। विधानसभा चोणों तो पहले ही आम आदमी पार्टी को झटका लग गया। फिरोजपुर देहाती विधानसभा हलके तो आम आदमी पार्टी वालों ऐलाने गए उम्मीदवार आशू बंगड़ ने पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो इस्तीफा दे दिता। उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए आम आदमी पार्टी छड्डन दा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो इस्तीफा देने वाले फिरोजपुर देहाती तो उम्मीदवार आशू बंगड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आशू बंगड़ को कांग्रेस में जीयां नूं कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच का साथ देने वाले लोग आम आदमी पार्टी की असलीयत पछाणन तो बाद उसका साथ छड रहे हैं। उन्हें कहा कि आम आदमी पार्टी डिक्टेटरशिप नाल चलाई जा रही है। इस मौके मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आशू बंगड़ को कांग्रेस फिरोजपुर देहाती तो ही चोण मैदान में उतारेगी। कांग्रेस के अमृतसर तो देहाती प्रधान भगवंत पाल सिंह सचर जो कल बीजेपी में शामिल हो गए सन, उन्होंने मुड़ कांग्रेस में शामिल करवाने लिए डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, सुख सरकारिया उन्होंने गृह विखे पहुंचे और उन्हें भगवंत पाल सिंह सचर को वापस कांग्रेस में शामिल करने लिए पूरा जोर लगा दिता। सचर के गृह विखे पहुंचे इन आगुओं ने विश्वास दवाते हुए कहा कि वह जल्द ही इस संबंधी कांग्रेस हाईकमांड नाल मीटिंग करके सचर का बनता हक उन्होंने जरूर दवाएंगे। फाजिलका के पिंड मुठियावाली में उस वेले सनसनी फैल गई जदों पुलिस ने एक हैंड ग्रनेड मिले। इस घटना की सूचना फाजिलका पुलिस को दी गई। फाजिलका के डीएसपी जोरा सिंह की अगवाई में पुलिस टीम घटना स्थान उत्ते मौके पर पहुंची।
जिसने जिंदा हैंड ग्रनेड नूं अपने कब्जे विच लैके सुरक्षित थां उत्ते रखवा दिता। इस संबंध में जानकारी दिंदे हुए फाजिलका दे DSP ने कहा कि पिछले समय इस सेम नाले की सफाई की गई सी, जिसके चलते हैंड ग्रनेड उस सेम नाले विचों निकलिया हो सकता है। तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे दर्शन करके वापस परत रही संगतों उत्ते बिहार अंदर कुछ लोगों वालों हमला करके जख्मी करन दी तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब कमेटी के प्रधान जनरल अवतार सिंह हित ने सख्त शब्दों में निखेधी की है। उन्हें कहा कि संगत उत्ते पत्थरा अते लाठीचार्ज करना बेहद मंदभाग है, जिस दी बिहार सरकार नूं निरपक्ष जांच करवानी चाहिए है। जांदे जांदे नज़र मारदे आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।